नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पंकज कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीसी चित्तौड़गढ़। जीपीसी चित्तौड़गढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकंड ईयर सब्जेक्ट कोड EL203 इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के यूनिट नंबर 4 का टॉपिक रेंज एक्सटेंशन ऑफ अमीटर की बात करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में रेंज एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर और मल्टी रेंज वोल्ट मीटर की बात की थी, अभी हम रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि रेंज एक्सटेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके क्या बेसिक्स हैं, कैसे वो किया जाता है, और वोल्ट मीटर के केस में हमने उसका पूरा स्टडी कर लिया है। सो हमको पता चला था कि वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंशन करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर के साथ मुझे एक सीरीज रेजिस्टेंस मल्टीप्लायर कनेक्ट कर देते हैं हाई अमाउंट का, तो आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है वोल्ट मीटर में। सो अब जब हम रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर की बात करते हैं तो लगभग डिस्कशन उसी तरह का है, बस वहाँ जो हमने सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था, अब हम उसको सीरीज में कनेक्ट करने के बजाय पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है उसमें गैल्वेनोमीटर है, PMMC आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, उसके पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, दैट इज योर शंट रेजिस्टेंस, RSH से उसको डिनोट किया है। सो उस RSH में से जो करंट फ्लो हो रही है वो ISH है, और गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट आ रही है वो IM है। टोटल करंट जो है वो I है, वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। हम जानते हैं करंट हमेशा पैरेलल में डिवाइड होती है। सो I करंट टोटली जो है वो नोड वन पे जब पहुंचती है तो वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, दैट इज ISH एंड IM। तो हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू दी ISH प्लस IM होगा। ओके. अब ये पूरा जो सेटअप है हम उस पर्टिकुलर सर्किट की सीरीज में ले जाके रख देंगे जहाँ पे हमको करंट का मेजरमेंट करना है, यानी कि उस ब्रांच के सीरीज में ले जाके रख देंगे जहाँ पे हमको इसका करंट का मेजरमेंट करना है, यानी कि वो आई ब्रांच, आई करंट जो है वो टोटली उस ब्रांच में से कितनी करंट आ रही है उसी को डिनोट कर रही है वो। सो हम जानते हैं कि पैरेलल में हमेशा करंट डिवाइड होती है लेकिन वोल्टेज तो सेम रहता है। सो हम क्या कर रहे हैं, जो आपकी शंट रेजिस्टेंस वाली ब्रांच है वो किसके पैरेलल है, जहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमने RM अज्यूम किया है और उसमें से करंट हमको दिख रही है IM। सो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा IM इंटू RM, और ये पैरेलल है शंट रजिस्टर के RSH के, और RSH के थ्रू जो ड्रॉप है वो होगा उसमें से जो करंट फ्लो हो रही है, दैट इज ISH मल्टीप्लाइड बाई RSH। तो ये दोनों ही बराबर होने चाहिए क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। सो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि ISH इंटू RSH शुड बी इक्वल टू द IM इंटू RM, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम RSH जो शंट रजिस्टर कितना कनेक्ट किया जाए उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं IM इंटू RM अपॉन ISH। ISH को हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम KCL अप्लाई कर सकते हैं नोड 1 पे हमारा। सो KCL लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप क्या करिए, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट ले लीजिए, या फिर जिस नोड पे आप KCL लगा रहे हैं वहाँ पे इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेते हुए आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेते हुए टोटल का सम आप जीरो कर दीजिए। ओके. सो देखिए इनकमिंग करंट कौन सी है, इसमें इनकमिंग करंट है आपकी I, सो I शुड बी इक्वल टू दी, इसके I के अलावा और कोई भी इनकमिंग करंट नहीं है, बाकी की जो दो करंट है नोड वन से वो सारी आउटगोइंग करंट है। सो सम ऑफ इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू दी सम ऑफ आउटगोइंग करंट, सो I कैन बी रिटन एज ISH प्लस IM। तो अगर हमको ISH निकालना है तो हम सिंपली लिख सकते हैं I माइनस IM, यानी कि शंट रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो होगी, टोटल आई करंट में से गैल्वेनोमीटर में से जो करंट जा रही है उसको आप घटा दीजिए। सो आई माइनस आई एम विल बी इक्वल टू द ISH विच इज द शंट करंट और करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट रेजिस्टेंस। ओके. ये ISH की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में उठा के रख देंगे यहाँ से। सो आई RSH इज इक्वल टू द IM RM अपॉन आई माइनस IM, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ओके. अब हमने क्या किया है, IM को कॉमन ले लिया है डिनोमिनेटर में से, सो RSH हमारा क्या बन जाएगा, IM इंटू RM, और IM को जब हमने डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लिया तो पहले वाले टर्म में IM नहीं है, सो इट विल गेट डिवाइडेड, दैट इज I अपॉन
आई है माइनस वन। सो आर एस एच की वैल्यू आ गई हमारी आर एम अपॉन आई अपॉन आई एम माइनस वन। ओके, यहां पे आपका आर एस जो है वो क्या है, शंट रेजिस्टेंस है। आर एम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। आई क्या है, टोटल डायरेक्ट करंट जिसको कि हमको मेजर करना है। और आई एम है आपकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो कि आपके गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो रही है। सो देखिए, इसको सिंपली अगर देखना चाहें तो हम अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करेंगे, जैसे हमने रेंज एक्सटेंशन ऑफ वोल्टमीटर में भी किया था। सो आर एस एच इज इक्वल टू द आई एम इंटू आर एम अपॉन आई माइनस आई एम, ये हमारे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है। इसमें आपको क्या करना है, दोनों साइड कैपिटल आर एम से डिवाइड करना है, लेकिन उससे पहले आपको इस टर्म को रेसिप्रोकेट करना है। रेसिप्रोकेट मतलब उल्टा करना है दोनों साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, वन अपॉन आर एस एच, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, आई माइनस आई आई एम वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और आई एम इंटू आर एम वाली टर्म नीचे आ जाएगी। अब इसको आपको आर एम से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। जब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेफ्ट हैंड साइड आपका टर्म बन जाएगा आर एम अपॉन आर एस एच, और राइट हैंड साइड में आई माइनस आई एम इंटू आर एम अपॉन आई एम इंटू आर एम। सो आर एम से आर एम कट हो जाएगा। सो आर एम अपॉन आर एस एच की वैल्यू आ रही है यहाँ से, अगर आई एम को आप दोनों में डिवाइड कराते दोनों टर्म में, तो पहली टर्म बन जाएगी आई अपॉन आई एम और दूसरी टर्म बन जाएगी माइनस ऑफ आई एम बाई आई एम दैट इज वन। सो हमको यहाँ से ये पता चल रहा है कि आई अपॉन आई एम की वैल्यू हम लिख सकते हैं वन प्लस आर एम बाई आर एस एच, और यही कहलाती है आपकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जैसे हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर वोल्टमीटर में निकाला था वोल्टमीटर रेंज एक्सटेंशन में, वैसे ही हमने रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो निकाल दिया है m इज इक्वल टू द आई अपॉन आई एम। वोल्टमीटर के केस में क्या आ रहा था, v अपॉन वी एम। तो डेफिनेशन मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वही रहेगी। वहाँ पे क्या कर रहे थे, जिस वोल्टेज v को जो मेजर करना है उससे हमको डिवाइड करना था कौन सा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे हमको क्या करना है, टोटल करंट जिसको मेजर की जानी है डिवाइडेड बाय गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो हो रही है आई एम। ओके, सो द रेशियो ऑफ द टोटल डायरेक्ट करंट दैट इज टू बी मेजर्ड I and the full scale deflection current of the galvanometer IM is known as the multiplying factor M. Okay, mathematically हम लिख सकते हैं M is equal to the I upon IM. I वो करंट है जिसको मेजर किया जाना है और IM वो करंट है जो galvanometer के थ्रू फ्लो हो रही है, या फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी जिसको हम कह सकते हैं। तो सिंपली हमारा आर एस एच की वैल्यू अगर एम में बात करें तो आई अपॉन आई एम को जब हम एम लिख देंगे तो आर एस एच शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी आपकी आर एम अपॉन एम माइनस वन। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है न्यूमेरिकल के लिए, इस पर बेस्ट इजी से न्यूमेरिकल आ जाते हैं कई बार। अब शंट मटेरियल जो हम बना रहे हैं जिससे उसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो हमने पहले भी देखा था वोल्टमीटर के केस में भी, कि लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए और इसमें एजिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एजिंग इफेक्ट का मतलब जैसे जैसे आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए काम में ले रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। ऑल्सो दे शुड कैरी द एक्सेसिव करंट विदाउट टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन नहीं आना चाहिए करंट में। अब जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये ऑब्जेक्टिव के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शंट बनाने के लिए कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, मैग्नेटिक एंड कॉन्सेंट्रेट। सो शंट फॉर द लो मटेरियल्स आर एनक्लोज इन मीटर केस, जब हम लो करंट्स के मेजरमेंट की बात करते हैं उनके लिए जो शंट डिजाइन किए जाते हैं उनको मीटर केस में हम एनक्लोज कर देते हैं, लेकिन अगर 200 एम्पीयर से ज़्यादा की करंट मेजर की जानी है तो शंट को हमको एक्सटर्नली माउंट करना पड़ेगा, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ओके, अब देखिए इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल से ज़्यादा सिचुएशन क्लियर होगी। अब न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 15 मिली एम्पियर। यानी कि दो चीज़ें हमको पता चल गई इतनी लाइन पढ़ने से, कि इसने आर एम की वैल्यू 5 ओम दे रखी है और आई एम की वैल्यू 15 मिली एम्पियर दे रखी है। अब ये पूछना क्या चाह रहा है, व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी मेजर्ड बाय इट इफ इट इज शंटेड बाय 0.002 ओम रेजिस्टेंस। यानी कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ये पूछना चाह रहा है, और सॉरी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू उसने दी है 0.002 ओम, ये पूछना चाह रहा है व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी मेजर्ड, यानी कि ये कैपिटल आई की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो हमको कैपिटल आई की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो कैपिटल आई की वैल्यू हम जानते हैं कि कैपिटल आई इज इक्वल टू द आई एस एच प्लस आई एम होता है, तो हमको आई एम तो दिया हुआ है लेकिन आई एस एच नहीं दिया हुआ है। तो अगर हमको आई एस एच पता चल जाता है किसी तरीके से तो हमारा आंसर आई निकल जाएगा। तो आई एस एच निकालने के लिए हम जानते हैं, हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमिटर में, उसमें हम जानते हैं कि शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो
पोटेंशियल है, ड्रॉप है, वही पोटेंशियल ड्रॉप गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस भी होना चाहिए। दैट इज आई एस एच इंटू आर एस एच शुड बी इक्वल टू दी आई एम इंटू आर एन, ये होना चाहिए। अब इसमें से क्या क्या दिया हुआ है, आई एम दिया हुआ है दैट इज 15 मिली एम्पियर, तो उसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करके लिख देंगे, दैट इज 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 या 15 डिवाइड बाई 1000 एम्पियर्स। आर एम की वैल्यू 5 ओम दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज रख दिया। आई एस एच की वैल्यू हमको निकालनी है और आर एस एच की वैल्यू हमको दी है 0.002 ओम्स। सो यहाँ से हम आई एस एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एंड दैट वी विल बी गेटिंग 37.5 एम्पियर्स। ओके, अब हमको निकालना है आई। सो आई इज सिंपली आई एस एच प्लस आई एम। आई एस एच आपने निकाल ली है 37.5 और आई एम की वैल्यू अब देखिए 37.5 एम्पियर में है तो आपको आई एम की वैल्यू भी एम्पियर में लिखनी पड़ेगी क्योंकि मिली एम्पियर को एम्पियर के साथ नहीं जोड़ सकते, जब तक यूनिट सेम नहीं होती तब तक हम एडिशन सब्ट्रैक्शन ये मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो 37.5 एम्पियर प्लस 15 डिवाइड बाई 1000 एम्पियर, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.015 एम्पियर आएगा, 15 मिली एम्पियर। सो 37.5 प्लस 0.015 दैट विल बी इक्वल टू दी 37.515 एम्पियर, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। अ शंट ऑफ 250 ओम इज यूज्ड इन अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1500 ओम, कैलकुलेट द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब यहाँ पे हमको एम फाइंड आउट करना है पार्ट ए में, और पार्ट बी कह रहा है आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट टू ऑब्टेन द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 40 ओम। सो देखिए पार्ट ए में तो आपको क्या करना है, एम फाइंड आउट करना है, और पार्ट बी में आपको एम दिया हुआ है उसके लिए शंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लीजिए। आर एस एच आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है दैट इज दी 250 ओम पार्ट ए के लिए। आर एम की वैल्यू दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, वो दी हुई है आपको 1500 ओम्स। सो हम कॉन्स्टेंट वही लगाएंगे, आई एस एच इंटू आई आर एस एच इज इक्वल टू द आई एम इंटू आर एम। इससे हम ये लिख सकते हैं कि आई एस एच और आई एम का जो रेशियो है वो वही होगा जो आर एम और आर एस एच का होगा, बिल्कुल सही बात है। सो 1500 डिवाइड बाई 250 इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि आई एस एच और आई एम का रेशियो 6 है, इसका मतलब आई एस एच जो है वो 6 टाइम्स ऑफ आई एम है। 6 को अगर उधर भेज देंगे तो इट विल बिकम आई एस एच इज इक्वल टू द 6 टाइम्स ऑफ आई एम। अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टोटल करंट की इक्वेशन हम जानते हैं दैट इज आई एस एच प्लस आई एम, तो अब शंट रेजिस्टेंस को भी हमने आई एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इससे हमको आई और आई एम का रेशियो मिल जाएगा और वही आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू होती है। सो आई इज इक्वल टू दी आई एस एच प्लस आई एम दैट विल बी इक्वल टू दी 6 आई एम प्लस आई एम दैट इज 7 आई एम। सो आई इज इक्वल टू दी 7 आई एम, तो हम यहाँ से रेशियो निकाल देंगे आई अपॉन आई एम का, वो आ जाएगा 7 आई एम अपॉन आई एम, आई एम से आई एम कट जाएगा दैट इज 7। सो एम की वैल्यू 7 आ गई जब आपका शंट रेजिस्टेंस 250 ओम और आर एम की वैल्यू 1500 ओम है। ओके, सो पार्ट ए इज सक्सेसफुली सॉल्व। अब पार्ट बी में हमको क्या करना है, एम इज इक्वल टू द 40 दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि किस शंट की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू 40 आ जाएगी। सो आर एम की वैल्यू अभी भी वही रहेगी 1500 ओम, आर एस एच की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमको एम की वैल्यू 40 मिल जाए। तो जो हमने पार्ट ए में किया है उसी का रिवर्स प्रोसेस यहाँ अप्लाई करेंगे, यानी कि m इक्वल टू 40 दिया है, इसका मतलब क्या है i अपॉन आई एम की वैल्यू 40 दी हुई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं i शुड बी इक्वल टू द 40 इंटू आई एम, और आई एम जो है वो हमेशा क्या होता है दैट इज टोटल करंट माइनस द शंट करंट। सो आई एम कैन बी रिटन एज i माइनस आई एस एच। सो या यूं कह लें कि शंट करंट हम लिखना चाहें तो वो क्या होगा, शंट करंट भी क्या होगी I माइनस आई एम। सो आई एस एच इज इक्वल टू दी आई माइनस आई एम। अब यहाँ पे हम I की वैल्यू रख देंगे दैट विल बी ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ आई एम दैट इज 40 आई एम माइनस आई एम इक्वल टू दी 39 आई एम की वैल्यू अभी हमारे पास में शंट करंट की, यानी कि हमने आई एस एच को भी अभी वापस आई एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम जानते हैं कि आई एस एच इंटू आर एस एच दैट इज द ड्रॉप अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दी आई एम इंटू आर एम दैट इज द ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। सो आई एस एच की वैल्यू लिख दी हमने 39 इंटू आई एम, आर एस एच की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, और आई एम को हमने एज इट इज़ रहने दिया, आर एम की वैल्यू हमको 1500 ओम दी हुई है। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो आई एम से आई एम कट जाएगा। सो आर एस एच की वैल्यू मैथमेटिकली हमारे पास में क्या मिल जाएगी, 1500 डिवाइडेड बाय 39।
सो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, यू विल गेट 38.46 ओम्स. ये हमारा आंसर आ गया इजीली. तो इस तरीके के न्यूमेरिकल जो है वो बहुत इजी हैं, एग्जाम में आ सकते हैं. ओके, सो सिंपली आपको जो फॉर्मूला है वो ये याद रखना है, आई आर एस एच इंटू आर एस, आई एस एच इंटू आर एस एच इज इक्वल टू दी आई एम इंटू आर एस. पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो गैल्वेनोमीटर और सेंटर स्ट्रेन के अक्रॉस सेम होगा. दूसरा आपको ध्यान रखना है ये आर एस एच इज इक्वल टू दी आर एम अपॉन एम माइनस वन, जहाँ पे एम की वैल्यू आई अपॉन आई एम है. वहाँ पे आई वो करंट है जिसको कि मेजर किया जाना है और आई एम वो करंट है जो कि गैल्वेनोमीटर में से फ्लो हो रही है, जिसको हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के नाम से भी जानते हैं. धन्यवाद.